नमस्कार दोस्तों, कानपुर मशरूम फॉर बिजनेस गुरु में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे वीडियो को आप जो है यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो चैनल को जरूर फॉलो करें। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से मैं बात करूंगा कि मशरूम की खेती किन लोगों को करना चाहिए। दोस्तों, जिसके पास जो है कोई काम धंधा नहीं है और उनके पास एक्स्ट्रा जगह खाली है, तो वो जो है उस जगह को उपयोग करके मशरूम की खेती आसानी से कर सकते हैं। मशरूम की खेती करने के लिए बंद कमरे की आवश्यकता पड़ती है। आप समझ गए होंगे, बंद कमरे के मतलब कि पक्का का कमरा हो या फूस की झोपड़ी हो, आप आसानी से मशरूम की खेती उसमें कर सकते हैं। मशरूम की खेती करने के लिए 10x10 का यदि आपके पास कमरा है या उससे बड़ा कमरा है तो बहुत पर्याप्त है, आप उसमें करें, शुरुआत करें। आगे चलकर आप बड़े लेवल पर जब आप करेंगे तो आप अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। मशरूम की खेती करने से सबसे पहला फायदा आपको ये होगा कि आप जो है एक नए तरह का बिजनेस करना सीखेंगे, बिना मिट्टी की खेती करना सीखेंगे, जो कि आज के डेट में और भविष्य के लिए बहुत ही बेटर है। मशरूम में कई ऐसे तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो मनुष्य के शरीर के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। जो शुगर की बीमारी है जिनके पास, या अनेकों तरह की बीमारियां जिनके शरीर के अंदर है, वो मशरूम की सेवन करके आसानी से उस बीमारियों से घर बैठे बच सकते हैं। अगर आप व्यवसायिक तौर पर मशरूम की खेती करते हैं तो मशरूम में आपको बहुत ही अच्छा मुनाफा, प्रॉफिट भी बहुत अच्छा मिल जाता है। इसकी मार्केटिंग में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर आपको दिक्कत होती है तो आप हमारे चैनल पर या हमारे दिए गए नंबर पर जरूर संपर्क करें, मार्केटिंग में आपको कहीं कोई दिक्कत होने नहीं दिया जाएगा। अब आपके मन के अंदर ये सवाल उठता होगा कि हम मशरूम की सीड और बीज कहाँ से मंगवाएं, तो इसके लिए भी आप हमारे सेंटर से संपर्क करें। मशरूम का बीज और सीड एक अच्छी क्वालिटी की, जो आपके घर तक डिलीवरी आसानी से करा दिया जाएगा। मशरूम के उत्पादन करना और लोगों को जागरूक करना, क्योंकि जितने ज्यादा आप लोगों को जागरूक करेंगे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। तो जहां से भी, जिस क्षेत्र से भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने अगल बगल लोगों से जरूर जागरूक करें। मशरूम की खेती में आपको जितना भी कम लागत और ज्यादा प्रॉफिट, ये आपका जो है मशरूम में होने वाला है, क्योंकि मशरूम के की खेती में लागत बहुत ही शून्य होता है और प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है। जो आपके कृषि से निकले हुए वेस्ट चीज है, जैसे धान की पराली जिसको लोग खेतों में जला देते हैं, उसका आप कुटी कटवा दे, भूसा टाइप के बनवा दे, जो गाय भैंस खाती है, आप उसमें मशरूम की खेती करें। धान की भूसा, पुआल की जो कुटी है, और गेहूं का जो डंठल का जो भूसा है, आप उसमें मशरूम की खेती करके बहुत ही अच्छा इनकम कमा सकते हैं। आज के डेट में तो मशरूम से कई तरह के प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं। यदि आप ओस्टर मशरूम की खेती करते हैं तो ओस्टर मशरूम की खेती आपको लगभग जो है 25-30 डिग्री के तापमान में आप आसानी से ओस्टर मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं। इसमें कई वैरायटियां आती है, जब आप संपर्क करेंगे तो सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। इसमें आपको जो है ओस्टर मशरूम जो है सूखा, यानी कि अगर आपका ताजा मशरूम बेचने में मार्केट में कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप उसको क्या करते हैं कि धूप में सुखा देते हैं, और धूप में सुखाने के बाद जब वो टाइट हो जाता है पापड़ की तरह, तो आप उसको किसी पन्नी में स्टोर करके रखेंगे। जितने दिन भी स्टोर करके रखेंगे जल्दी खराब नहीं होता है। इसके बाद उससे कई तरह के प्रोडक्ट आज की डेट में अचार, बड़ी, पापड़, पकौड़ा, बिस्किट, बहुत सारे आइटम बनाए जा रहे हैं, जिसकी मार्केट वैल्यू आप जो है उस सारे आइटम को बनाकर बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप मशरूम उत्पादन करने के क्षेत्र में आप जागरूक हो सके और मशरूम की उत्पादन करें, क्योंकि मशरूम उत्पादन करने से और मशरूम को कंज्यूम करने से, खाने से, आप बहुत तरह के परेशानियों से बच जाते हैं। सबसे पहले आज के डेट में बच्चों को जो है प्रोटीन की कमी हो जाती है,
बच्चे कुपोषण के शिकार होने लगते हैं, बहुत सारे बच्चे दिमागी तौर पर कमजोर हो जाते हैं। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम नहीं भी है, फिर भी अगर आप मशरूम के कंज्यूम करते हैं, मशरूम खाते हैं, तो आपके शरीर के लिए, आपके हेल्थ के लिए काफी बेनिफिट होता है। साथ में आपके आमदनी को भी मशरूम बढ़ाता है। मशरूम को किसी भी प्रकार में सेवन करने की कोशिश आप जरूर करें, लोगों को भी सेवन करने की सलाह जरूर दें, अपने अगल बगल जरूर सलाह दें कि मशरूम की खेती। आज के डेट में YouTube पर बहुत सारे ऐसे वीडियो पड़े हुए हैं जिसको देखकर भी आप मशरूम की खेती कर सकते हैं। और अगर आप सही ढंग से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, संपूर्ण जानकारी A to Z, एक एक चीज नॉलेज लेना चाहते हैं, तो आप एक बार हमारे सेंटर को जरूर विजिट करें और इसमें आपको सारी जानकारी दी जाएगी। बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, पश्चिम बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, हमारे देश में हर जगह जो क्लाइमेट है, इस क्लाइमेट में मशरूम की खेती बड़े पैमाने पर इस समय शुरुआत हो चुकी है, लोग कर रहे हैं। ये चीज आप लोगों को इसलिए पता नहीं है कि आप मशरूम इंडस्ट्री में नहीं है। जब आप मशरूम इंडस्ट्री में आएंगे तो आपकी सारी जानकारी A to Z आपको मिलने लगेगी। जब तक आप किसी काम को नहीं करते हैं, तब तक उस काम के बारे में आपको नॉलेज और जानकारी नहीं होती है। जैसे ही उस काम में यदि आप उतरते हैं, तो आपको नॉलेज और जानकारी दोनों बढ़ने लगती है। मशरूम का जो सीड है, एक अच्छी क्वालिटी का जो सीड है, वो आपको 100 रुपये से लेकर 150 रुपये में बहुत ही अच्छी क्वालिटी की सीड आपको मिल जाएगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मशरूम के सीड जो है 60 रुपये 70 रुपये में भी सेल करते हैं, बट हमारे जो किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, 10 और 20 रुपये बचाने के चक्कर में आप सस्ते के चक्कर में ना पड़े। आप मशरूम का सीड वही खरीदे जो आपको 90 रुपये से लेकर 150 रुपये के बीच में आपको मशरूम का सीड मिल रहा है और क्वालिटी के साथ, गारंटी के साथ मिल रहा है, आप उसी सीड को अपने यहां यूज करें। दोस्तों, मशरूम उत्पादन करना और लोगों से उत्पादन करवाना, ये एक तरह का समाज में जागरूक करने के दिशा में एक बहुत बड़ा प्रयास होता है। और आप समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाना चाहता हूं आप लोगों को। हमारा ये वीडियो आपका 1% भी यदि सही लगा हो तो आप जरूर लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।